क्या आप एल्टी ग्रेड टीचर बनना चाहते हो और सोच रहे हो कि एल्टी ग्रेड टीचर कैसे बने और एल्टी ग्रेड टीचर होता क्या है। इस वीडियो में आपको एल्टी ग्रेड टीचर से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि फुल फॉर्म, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी आदि से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टीचर या अध्यापक वह शब्द होता है जो किसी की भी जिंदगी बदलने में सक्षम होता है और छात्रों के भविष्य को सुवारता है। पुराने समय में टीचर को गुरु कहा जाता था और उनका दिल से मान सम्मान भी किया जाता था और अब तक भी किया जाता है। अगर आपको पढ़ाई से बहुत ज्यादा लगाव है और आप अपने प्राप्त किए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना पसंद करते हो तो आप एक टीचर या अध्यापक के रूप में काम कर सकते हो। कुछ छात्रों का शुरू से ही अध्यापक बनने का सपना होता है क्योंकि वह अपने अध्यापकों से प्रेरित हुए होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप टीचर बनकर अपना बढ़िया करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की जॉब करना चाहते हो तो एल्टी ग्रेड बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। सबसे पहले जानेंगे एल्टी ग्रेड टीचर होता क्या है। एल्टी ग्रेड टीचर यानी कि एल्टी सहायक शिक्षक की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यह एक तरह की बैचलर डिग्री होती है जो 3 या 4 साल का कोर्स होता है और शिक्षकों द्वारा यह डिग्री प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त होती है। एल्टी ग्रेड अध्यापक को लाइसेंसधारी अध्यापक भी कहते हैं। अब यह जान लेते हैं कि एल्टी ग्रेड टीचर की फुल फॉर्म क्या होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। एल्टी ग्रेड टीचर को इंग्लिश में लाइसेंसिएट टीचर और हिंदी में लाइसेंसधारी अध्यापक कहते हैं, जिससे UPLT सहायक अध्यापक के नाम से भी जाना जाता है। एल्टी ग्रेड की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाती है। एल्टी ग्रेड टीचर से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? जैसे कि हर सरकारी नौकरी के लिए हमारे पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होती है, उसी तरह से सहायक अध्यापक बनने के लिए भी हमारे पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री। एप्लीकेंट के पास बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है, तो उसी विषय में होनी चाहिए जिसका वह अध्यापक बनना चाहता है और बैचलर डिग्री इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्लियर होनी चाहिए और कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। और सेकंड नंबर पर यहाँ पे बीएड और BPED कोर्स करें। अप्लाइड कैंडिडेट के पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए जो बीएड या BPED इन दोनों से ही कोई एक कोर्स क्लियर हो। जैसे कि बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, आप सभी जानते होंगे, और BPED का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। और बीएड और BPED पर अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं तो हम नेक्स्ट जरूर बनाएंगे। और एल्टी ग्रेड अध्यापक की एज लिमिट क्या होती है? एल्टी ग्रेड शिक्षक की भर्ती के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए और इसके बिना आरक्षित वर्ग को छूट का प्रावधान भी होता है जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर निर्भर करता है क्योंकि रूल्स टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। एल्टी ग्रेड टीचर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहती है? यहाँ पे सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और यहाँ पे थर्ड नंबर पर कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है और लास्ट में होती है ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। एल्टी ग्रेड टीचर की सैलरी क्या होगी यह जान लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर UPLTE ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी मिलती है। एक सहायक अध्यापक को वेतन के रूप में काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जैसे कि एल्टी ग्रेड टीचर की सैलरी 45,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक होती है और बेसिक पे 17,140 रुपए और ग्रेड पे 4,600 रुपए होती है और इसमें HRA, TA और CPC को मिलाकर ग्रॉस सैलरी 49,934 रुपए मिलते हैं
और ईपीएस के रूप में 1714 रुपये काट लिए जाते हैं, जिसके बाद टोटल सैलरी 48,220 रुपये एक एटी ग्रेड टीचर को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी सैलरी डिटेल एटी ग्रेड टीचर के लिए। और आपको यूपी एटी ग्रेड टीचर कैसे बने से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज आपने जाना है एलटी ग्रेड टीचर क्या है, एलटी ग्रेड टीचर की फुल फॉर्म, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी आदि के बारे में आपने जाना है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। और अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।